आज साई किचन में हम बन लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया नाश्ता की रेसिपी। तो उसके लिए हमने यहाँ देखिए आलू लिया है, बॉयल आलू हमारा है, 5-6 हमने बॉयल आलू ले लिया है। और हमने यहाँ बेसन लिया है 1 कटोरी, और यहाँ देखिए हमने धनिया, हरी मिर्च और अदरक काट के रख लिया है। तो हम शुरू करते हैं इसे बनाना, कैसे बनाते हैं देखिए। तो हम अपने यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध नाश्ता आज बना के तैयार करेंगे, आलू चप। आलू चप की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। तो आलू चप ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, अगर आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार जरूर बनाएंगे, मेरी गारंटी। ये बहुत ही मज़ा आता है खाने में और बहुत ही स्पाइसी और चटपटा बन के तैयार होता है, ये बड़े और बच्चों सभी को बहुत पसंद आता है। तो हमने ये देखिए 1 कटोरी बेसन लिया है, तो इसे डाल देंगे एक बड़े बर्तन में, और इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, ये देखिए 1/2 चम्मच से भी कम, 1/4 चम्मच, थोड़ा सा 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है कलर के लिए बस, थोड़ा सा हम 1/4 चम्मच गरम पाउडर डालेंगे इसमें, हमने 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम 1 पिंच करीब हींग पाउडर डालेंगे। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। हम इसका घोल बना के पहले तैयार कर लेते हैं आलू चाप का। थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया, नमक हमें बाद में इसमें स्टफिंग में भी डालना है तो इसलिए नमक हम कम डालेंगे। इसे हम इस तरह से घोल लेंगे। और इसमें हम खाने वाला सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बिना सोडा वगैरह डाले ही हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने ये घोल बना के इसे तैयार कर लिया। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं, अब हम स्टफिंग बना लेते हैं आलू का। अब ये देखिए हमने अभी इतना थिक रखा है, ये थोड़ी देर बाद फूलने के बाद इसे ढक के रख देते हैं। फूलने के बाद देखते हैं इसमें कितना पानी की और जरूरत होगा, देख लेंगे। अब यहाँ देखिए हमने आलू लिया है, तो आलू को हम मैश कर लेंगे हाथों से। यहाँ देखिए आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया, तो इसको बाद में और हमें थोड़ा सा मैश करेंगे, कढ़ाई में ही हम कर लेंगे मैशर से। तो चलिए इसको पहले इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने देखिए यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है फ्राई पैन, तो हम इसमें पहले तेल डालेंगे थोड़ा सा, इसमें थोड़ा हम तेल डाल लेते हैं। गैस को हमने ऑन कर लिया है, 2 चम्मच करीब हमने तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें जीरा डाल देंगे हम 1 चम्मच छोटा चम्मच, और थोड़ा सा हींग डालेंगे। इसके बाद हमने जो हरी मिर्च काट कर उसका हरी मिर्च डाल देंगे, और ये अदरक डाल देंगे, और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर करेंगे। अब आलू डालेंगे इसमें, आलू डाल दिया हमने, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, नमक हमने पहले भी डाला है घोल में, हमें थोड़ा ही नमक डालना है लास्ट से। अब हम सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चूर पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से मैशर से, क्योंकि हमें आलू चाप बनाना है तो इसका स्टफिंग ये जो है ये बहुत हमें रखना है सॉफ्ट सा, मैश करके रखना है अच्छे से, आलू मतलब खड़ा खड़ा इसमें ना हो, अच्छे से मैश आलू है इस तरह से, हम एकदम मैश कर लेंगे इसको हम अच्छे से। तो यहाँ देखिए हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, एकदम अच्छे से मैश हो गया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से, और इसमें हम हरा धनिया रखिए तो हरा धनिया डाल देंगे बस। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं एक बर्तन में। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये ठंडा हो गया है आलू चप का ये मसाला, तो इसको हम अच्छे से और मिक्स कर लेंगे हाथों में, हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे।
हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम धनिया निया डाले तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बस अब हम थोड़ा सा मसाला हाथ में लेंगे, हाथ में तेल लगाएंगे और थोड़ा सा इस तरह से मसाला हाथ में लेंगे इसका, आलू का, और इस तरह से हम करेंगे। आलू बोंडा भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे तरफ इसे बनारस में हम लोग के आलू चाप बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये आलू चाप, तो आप एक बार जरूर इसे ट्राई करिएगा। ये देखिए हमने इतना बड़ा इसका बना लिया टिक्की सा, इस तरह से हमें टिक्की सा बना लेना है। तो इसी तरह हम सारा टिक्की तैयार कर लेंगे। देखिए तो यहाँ देखिए 6 आलू में हमारा 12 टिक्की बनके ये टोटल तैयार हो गया है। तो बस अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ देखिए हम बेसन को एक बार देख लेते हैं, बेसन बढ़िया से फूल गया। थोड़ा सा हम हाथों से इस तरह से इसको फेंट लेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा बनेगा हमारा ये आलू चाप। इसे 2-3 मिनट इस तरह से हम हाथों से फेंट लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतना ही हमें रखना है, ये इतना ही ठीक रखना है। ये चम्मच से वैसे गिरा रहे, इस तरह से गिरा, बस इससे पतला में नहीं करना है, ये ठीक है हमारा। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, चलते हैं। अब यहाँ देखिए हमने कढ़ाई रख दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है गैस पे। अब बस हम इसमें एक ही गैस डीप करेंगे बेसन में, इस तरह से देखिए डीप करेंगे बेसन में ऐसे आलू चाप को, इसे डिप करेंगे और एक के कैसे उठाएंगे धीरे से हाथों से, ऐसे करेंगे और इसमें डालते हैं। तेल को हमें अच्छे से गरम करना है, तेल हमारा देखिए अच्छे से गरम है। इस तरह से आप एक बार में जितना है आपकी कढ़ाई में उतना डालिए, जिससे कि आपको आराम से पलटते बने, इस तरह से हमें डालना है। ये देखिए देखिए हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। बस इसके ऊपर इस तरह से हमें ऑयल डालना है। ऑयल देखिए हमने कढ़ाई में बहुत ही अच्छे से लिया है, ताकि ये अच्छे से फूले और बढ़िया बने। ये जब आपको लगने लगे कि ये नीचे से थोड़ा थोड़ा फ्राई हो गया है, तभी हमें इसे पलटना है, अभी नहीं पलटना है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये लगने लगा कि थोड़ा थोड़ा नीचे से हमारा फ्राई हो, बस हम इसे पलट देंगे इस तरह से। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये फूल भी रहा है। हमने इसमें सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है, फिर भी ये अच्छे से फूल रहा है। इसी तरह हमें इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया इसमें कलर आने लगा है। तो बस हम इसको दोनों तरफ पर उलट पलट के दोनों तरफ अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया और कितना अच्छा फूला फूला बन रहा है। आप ये देखिए कितना बढ़िया बन रहा है ये फूला फूला। तो इसको दोनों तरफ से हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, क्योंकि इसमें कच्चा का सवाल ही नहीं होता कि कच्चा रहे कोई चीज। आलू हमारा मैश आलू है, बॉयल आलू है, तो ये तो पका हुआ आलू है, इसमें कच्चा होने का सवाल ही नहीं होता। इस तरह से हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है इसे। तो देखिए फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और आगे मैं और भी अच्छे से अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो ये देखिए हमारा फ्राई हो गया, बस हमें सही रखना है। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आ गया इसमें। ये देखिए कितना बढ़िया बन के ये तैयार हो गया हमारा आलू चाप। तो बहुत से लोग इसे आलू बोंडा भी बोलते हैं, हमारे तरफ इसे आलू चाप बोलते हैं।
यहाँ देखिए बन गया तेल, अच्छे से हमें इस तरह से छान लेना है। बस एक प्लेट में से हमें निकाल लेना है। आप देखिए कितना सुंदर बना है, ये देखिए कितना फूला फूला, कितना सुंदर बना है। खाने में तो वाह पूछिए नहीं, बहुत ही लाजवाब होता है। इसी तरह से हम दूसरे शिफ्ट का भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमने दूसरे शिफ्ट का भी डाल लिया, तो इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह फ्राई करना है जैसे हमने पहले शिफ्ट का फ्राई किया है। तेल हमारा गर्म है तो ये वाला तो फटाफट हमारा शिफ्ट का हो जाएगा। तो ये देखिए हो गया डालते ही। अब इसे हमें दूसरी तरफ टर्न कर लेना है, पलट देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे शिफ्ट का भी हमने बना लिया। अब फटाफट हम सर्व कर लेते हैं। और इसके साथ में हम अच्छे से चटनी एक बनाए हमने। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये आलू चाप बन के तैयार है। तब हम इसको एक अच्छे से चटनी और मूली के रायता के साथ सर्व करने जा रहे हैं। तो देखिए इसे कैसे सर्व करते हैं, सर्व करके दिखाते हैं। देखिए हम इसमें ऐसे रखेंगे, हमने ये दोना ले लिया है बाहर वाला, जैसे मार्केट में मिलता है, बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा आपको खाने में भी। इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन स्वाद लगता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिए अपने घर पर। ये देखिए हमने इस तरफ से प्लेट लगा लिया। अब इसमें हम ये मूली का रायता रखेंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा मूली का रायता। इसके साथ में बहुत ही बढ़िया लगता है। हमने मूली में थोड़ा सा अदरक, धनिया, हरी मिर्च काट के डाला है, नींबू निचोड़ दिया, नमक डाला है, तो हमारा रायता बन गया मूली का। और ये थोड़ा सा चटनी है, तो इसमें चटनी टमाटर हरी धनिया मिर्ची का चटनी बनाया हमने, तो इसके साथ में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए हमने सर्व कर लिया है, ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है, देखिए तोड़ के दिखा रही है, देखिए कितना बढ़िया बना है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।